चुनावी हार जीत से अलग वहाँ से जो कश्मीर के लोगों के उत्साह वाले आंकड़े मतदान प्रतिशत के तौर पर सामने आ रहे हैं, इससे आपको क्या ऐसा लगता है कि अनुच्छेद 370 ख़त्म करने का जो आपका फैसला था, ऐतिहासिक फैसला, वो कश्मीरियत की कसौटी पर इस बार खरा उतर रहा है? मुझे खुशी है कि कश्मीर के लोगों ने कश्मीर के लिए मतदान किया है जी, और देश के लिए मतदान किया। ठीक, हम तो वहाँ कैंडिडेट भी नहीं थे, लेकिन 60% वोटिंग होना मतलब मेरे संविधान को उन्होंने माथे पर लेकर के वो नाच रहे हैं। मैं इसका अर्थ ये निकालता हूँ, मेरे देश के तिरंगे झंडे का सम्मान कर रहे हैं। आज लाल चौक में जाइए, एक ज़माना था मुझे लाल चौक में तिरंगा झंडा चलाने के लिए भगाया, और उस दिन मेरा बयान था जगह हिंदुस्तान का तिरंगा चढ़ता है, जब फहरता है तो हिंदुस्तान की तोपें गरजती हैं। आज मैंने कहा जब मैं लाल किले में तिरंगा झंडा फहरा रहा हूँ तो पाकिस्तान की तोपें गरज रही है, क्योंकि पाकिस्तान से आतंकवादी गोलियां चला रहे थे जब हम कर रहे थे तो, और उस समय हमारे एक हवाई जहाज़ को भी डैमेज हुआ था, तो BBC ने रिपोर्ट किया था उसको। ये मार्क टोली था उस दिन जी, वो श्रीनगर में थे। कहने का मतलब ये है कि एक लंबी यात्रा मेरी रही है व्यक्तिगत भी, और बहुत ही निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि कश्मीर में बहुत पोटेंशियल स्पोर्ट्स में है। एक बच्ची शायद कभी आप लोग उसको आजकल कहा है मुझे मालूम नहीं, वो पत्थर मारती थी, एक बार मैंने TV पर देखा, अरे बच्चे में इतनी ताकत है, पत्थर इतना दूर जाता है इसका, तो मैं कहा ढूंढो उसको, मैं उसको ले आया। आज वो इतनी बढ़िया प्लेयर बन गई है, देश की नेशनल प्लेयर बन गई है। वो पत्थर मारने वाली बच्ची का घर वाले सब तैयार हो गए। हाँ सब, मैं कहता हूँ ना बुरे लोग नहीं है जी, कोई संभाले इनको। माहौल तो ऐसा बनाया जाता है कि तो इंटरेक्ट ही नहीं करना चाहते दिल्ली ऐसा से। है जी, किसी को पता ही नहीं वहाँ क्या है जी, वो एक एक बम फूटा वही न्यूज बन जाती है, बाकी 50 काम की पता चर्चा नहीं होती जी अभी। यानी इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ गलत लोग नहीं है, बुराइयाँ नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सब गई भी थी बातें नहीं है जी।